हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम टू मैथ्स वर्ल्ड एंड वेलकम टू क्लास फाइव। दिस इज द सीरीज ऑफ ऑक्सफर्ड न्यू एंजॉइंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन क्लास फाइव। सी स्टूडेंट, इस लेसन के एक्सरसाइज 8A ऑलरेडी मेरा हो चुका है, 8B एंड 8D बाकी है। तो आज हम 8B सॉल्व करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, सॉल्व यूजिंग मल्टीप्लीकेशन और डिविजन। वर्ड प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो। ऑन अ हाइकिंग ट्रिप द हाइकर्स नीडेड 1.75 लीटर्स ऑफ वाटर ईच डे। एक हाइकिंग ट्रिप के लिए कुछ हाइकर्स गए हैं, उनको एक दिन में 1.75 लीटर वाटर लगता है, ठीक है। इफ द ट्रिप लास्टेड 10 डेज हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डिड दे कैरी। अगर उनकी जो ट्रिप है वो 10 डेज की हो गई थी तो उनको कितना पानी लगा होगा, ये हमें फाइंड करना है। सो ये हम नोटबुक में प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। सी वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, लेंदी ना हो, इसीलिए मैंने ये आपको ऑलरेडी सब लिख दिया है, ठीक है। बस आप समझ के लो कि क्या करना है इसमें। पहले तो आपको गिवन लिखना है, द हाइकर्स नीडेड वाटर ईच डे इज 1.75 लीटर, द ट्रिप लास्टेड इज इक्वल्स टू 10 डेज। ट्रिप कितने दिन की थी? 10 डेज की थी। सो जो सॉल्यूशन है इसमें कि एक दिन का दिया है और 10 दिन का पूछा है, तो ऑब्वियसली इसमें हमें मल्टीप्लाई ही करना है। 1.75 इज 17.50। आई होप कि आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है। नहीं आता है तो मेरे और भी वीडियो है, डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो वीडियो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं सेंड करती हूँ। सो देयरफॉर दे डिड कैरी 17.5 लीटर वाटर। नेक्स्ट बी क्वेश्चन, द कोशी फैमिली वॉज विजिटिंग दिल्ली, दे रोड 11.5 किलोमीटर अ डे फॉर 3 डेज इन द सिटी, हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड दे ट्रेवल। एक कोशी फैमिली है जो दिल्ली के विजिटिंग के लिए गई थी दिल्ली, उन्होंने एक दिन में 11.5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो 3 डेज में उन्होंने कितना ट्रैवल किया होगा ये हमें पूछा है। तो अगेन सेम देखो, गिवन लिखना है आपको, डिस्टेंस ट्रैवल इन वन डे इज इक्वल्स टू 11.5 किलोमीटर एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 3 है। सो सॉल्यूशन क्या आएगा? एक दिन का दिया है और आपको 3 दिन का पूछा है, सो आपको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिला 34.5 किलोमीटर। सो देयरफॉर दे डिड ट्रैवल 34.5 किलोमीटर इन 3 डेज। फाइनल आंसर लिखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट सी, मिस्टर शाह बॉट 1.76 मीटर ऑफ वायर एंड कट इट इंटू 8 इक्वल पीसेस। What was the length of each piece of wire? अभी मिस्टर शाह ने एक वायर लाई जिसकी जो लेंथ है वो कितनी थी? 1.76 मीटर, और उसको कट कितने पीसेस में किया? 8 इक्वल पीसेस में। सो हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। अभी यहाँ पे ईच वर्ड आया है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, एक पीस का वो फाइंड करना है। अगेन सेम गिवन, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 1.76 मीटर एंड नंबर ऑफ इक्वल पीसेस कितने हैं? 8 है। सो 1.76 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम। सो देखो 8001 और यहाँ से हम 7 लेंगे। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड का डिवीजन हो गया तो यहाँ पे पॉइंट दे दो। अभी 8 1 8, 8 2 16, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ से हम 1 लेंगे। अगेन 8 2 16, 00 मीन्स 0.22, मतलब ये कितना? 22 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ वायर वॉज 0.22 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, द टोटल वेट ऑफ 9 आइडेंटिकल गोल्ड रिंग इज 40.5 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच रिंग। अभी यहाँ पे आइडेंटिकल गोल्ड रिंग से टोटल 9 है और उसका जो वेट है वो 40.5 ग्राम है, तो ईच रिंग का वेट कितना होगा? अभी यहाँ पे भी ईच वर्ड आया है सो आपको डिवीजन करना है। टोटल वेट ऑफ गोल्ड रिंग्स इज इक्वल्स टू 40.5 ग्राम, नंबर ऑफ गोल्ड रिंग्स आर 9, सो सॉल्यूशन इज डिवाइड करना है। 9 के टेबल में 40 आता है? नहीं आता, लेकिन 9 4 36 आता है। यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, पॉइंट का हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से हम लेंगे 5, सो 9 5 45 00। सो योर फाइनल आंसर इज द वेट ऑफ ईच रिंग इज इक्वल्स टू 4.5 ग्राम। ओके, सो हियर आवर एक्सरसाइज 8B इज ओवर। थैंक यू सो मच।